नमस्कार, फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार एक्सप्रेस में। चोर चुस्त और पुलिस सुस्त की कहावत अब सीएम सिटी में फीकी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस जिले में हो रही चोरी की वारदातों पर अब अंकुश लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल बुधवार को एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देश अनुसार थाना शहर निरीक्षक हरजिंदर सिंह द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। इस दौरान उन्होंने 4 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने उनसे 12 बैटरियां, 4 इन्वर्टर, 3 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद की। आरोपियों की पहचान मोहित, जोनी, रजत, अरुण, रोहित और एक नाबालिग के रूप में की गई है। जी सर, क्या कहेंगे, क्या मामला है और कितने आरोपी? देखिए, काफ़ी टाइम से सिटी एरिया में चोरियों का काफ़ी प्रभाव बढ़ गया था, क्योंकि चोर रात के दिन या सुबह जब भी कोई घर में अपने लॉक करके या ताला लगा कर जाता था और उसके घर में जब आता था ताला टूटा मिलता था, चोरी होती थी। जो कि ये वारदातें काफ़ी बढ़ गई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके हमें एक इस केस की तलाश करने के लिए इसकी स्पेशल जिम्मेवारी लगाई, जिसमें हमने अपनी थाना सिटी से एक टीम गठित करके जिसमें मिस्टर गुरपाल, परवीन, मंजीत और अपना गौरव और 4-5 मुलाजमों की टीम गठित करके इस काम के लिए लगाए, जिन्होंने बड़ी अच्छी से बेखूबी से कार्य करते हुए 8 से 9 चोरों को पकड़ के अपनी पकड़ में लिया है और जिनको प्राइमरी पूछताछ में जिन्होंने करीब 40 से 45 वारदातें थाना सिटी की मानी है और इसमें बहुत लार्ज स्केल में जो कि सोना, चांदी, बैटरी, इन्वर्टर और घर में रखने वाला घरेलू सामान, LCD, LED वगैरह सब चोरियां हैं और करीब 2018 और 2019 की सभी वारदातों। सर, कौन सी ऐसी बड़ी चोरी है जो पिछले दिनों शहर में हुई, जो उसने कबूली हुई? काफ़ी अभी इन्होंने ऐसे हैं, अभी इनको अरेस्ट किया गया है, अभी इन्होंने प्राइमरी पूछताछ में मोटी मोटी वारदातें जो बताई हैं। क्या क्या माल बरामद किया अभी तक? जिनमें से अभी हमने जो इनके पास से कुछ बैटरियाँ हैं और कुछ इन्वर्टर इन्होंने जो बरामद करवाए हैं और इसके अलावा कुछ कैश है। कितना? और कैश करीब 1.5 लाख रुपया है और सोना करीब 3 तोड़े करीब सोना है, जो कि अभी इनको रिमांड पे लेंगे और आगे और भी पूछताछ करेंगे और भी बड़े खुलासे होंगे और भी चोरी। तो सर, पहले भी क्राइम रिपोर्ट है? कितनी पहले भी कोई मामले वगैरह दर्ज हुए ना? पहले ये पहली बार अरेस्ट हुए हैं, पहले कभी भी किसी वारदात में ये अरेस्ट नहीं हुए और पूछताछ में अभी इन्होंने जो मोटे तौर पर हमें वारदातें बताई करीब 40 से 45 घर हैं और सभी घरों में सोना, कैश और ये मोटा सामान है। हाँ बिल्कुल, ये रैकी करते थे और इन अपने एरिया वाइज जैसे गलियों में घूमते थे, जिस घर के बाहर लॉक होता था उसी घर को ब्रेक करके उसी घर में ये वारदात कर दी। कितने का ग्रुप था? ये ग्रुप में हमने 9 लड़के अरेस्ट कर लिए हैं, अभी इसमें और भी लड़के इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि इनमें से मोस्टली सभी डेहा बस्ती के हैं और एक इनमें से पंजाब फिलौर का है और एक शाहबाद का है, बाकी लोकल यहीं से डेहा बस्ती। कोई रोजगार करते हैं या बेरोजगार हैं? कोई रोजगार नहीं है, ऐसे ही नहीं कार्यों में यही काम करते हैं और इसमें यही बात। तो करनाल वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? करनाल वासियों के लिए ये संदेश है कि देखिए, जो भी अपना घर में लॉक या कुछ करके जाते हैं, कृपया वो अपना उसको सुरक्षित हाथों में किसी में देके जाए या पुलिस को इन्फॉर्म करके जाए, जैसे भी कोई बाहर जाते हैं या लंबे उस पर जाते हैं तो करीब उसका रखा जाए, जो इन लोगों से बचा जाए। कहाँ से गिरफ्तार किया इन्हें? लोकल यहीं से, अपना मंगल कॉलोनी से और डेहा बस्ती से अरेस्ट किया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।